सो फ्रेंड्स, ऑल ऑनर बीएसएस टीम की ओर से मैं विजय सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सुबह मॉर्निंग में हमने बात की थी सर्किल्स के बारे में। तो सर्किल्स के कई सारे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताए, जिसमें मैंने आपको बताया आर्क ऑफ सर्किल, जिसे हिंदी में चाप कहा जाता है, कॉर्ड जिसको जीवा कहा जाता है, सेमी सर्किल जिसको अर्ध वृत्त कहा जाता है। इसी प्रकार से कई सारे चीजें, सेक्टर, सेगमेंट, सीकेंट, ये सारी चीज मैंने आपको बताई। आज हम बात कर लेते हैं इसी के एक नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है ये यहीं पर पूरा हो जाएगा। तो वो है सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू सर्किल्स, यानी कि व्रतों के कुछ परिणाम। देखिएगा, सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू सर्किल्स, मतलब कि व्रतों से संबंधित कुछ परिणाम। अब ये क्या होते हैं, देखिए इसमें ये होता है कि भाई अगर हम किसी भी सर्किल के बारे में बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है, वो सारी चीजें आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला रूल जो कल भी मैंने आपको बताया था, वो रूल था कि हम दो पॉइंटों से, अगर कोई भी टू पॉइंट्स है, दो बिंदु है, उन दो बिंदुओं पर हम कितने भी सर्किल बना सकते हैं, कितने भी व्रत बना सकते हैं। देखिएगा, हम कितने भी व्रत बना सकते हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स कैन बी ड्रॉ थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, तो ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, आज फिर से बता दे रहा हूं कि अगर दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं या फिर सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है तो उससे कितने भी सर्किल निकल सकते हैं, ये आप जानते हो। लेकिन कल मैंने एक बात और आपको बताई थी, वो थी कि भाई अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उनसे सिर्फ एक ही, यानी कि एग्जैक्ट वन सर्किल ही निकल सकता है। मतलब कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है मैं आपको बता रहा हूं कि तीन अगर नॉन कोलिनियर का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले हम बात कर देते हैं कोलिनियर की, तो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, एक दो तीन। लेकिन जो नॉन कोलिनियर होता है वो एक लाइन में नहीं होता, यानी कि एक इधर एक नीचे, इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार से पॉइंट है तो उनसे सिर्फ एक एंड ओनली एक ही सर्किल निकल सकता है, मतलब कि इससे सिर्फ एक ही सर्किल निकल सकता है और कोई भी सर्किल इन तीन पॉइंटों से नहीं निकल सकता। तो ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई अगर आपको तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर दे दिए जाए तो उनसे कितने सर्किल्स निकाले जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखना कि भाई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक सर्किल निकाला जा सकता है। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर दो ऐसे पॉइंट हैं तो उनसे कितने सर्किल्स निकाला जा सकते हैं, तो उनसे इनफाइनाइट नंबर, यानी कि बहुत ही ज्यादा संख्या में सर्किल निकाले जा सकते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से शुरू होते हैं, जो आपको हर हालत में याद करने पड़ेंगे, हर हालत में उनको समझना पड़ेगा, वो है Angles in the same segments are equal। अब सेगमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, वृत्त खंड। देखिएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब कि मैंने सेगमेंट के बारे में कल आपको बताया था कि भाई सेगमेंट क्या होता है, कि जो कॉर्ड होती है, जैसे कि ये ए से बी तक एक कॉर्ड है या फिर एक आर्क है, ये एक आर्क है। अब इस कॉर्ड से अगर हम कोई एक एंगल यहां पर बनाते हैं, इसी कॉर्ड से हम दूसरा एंगल यहां पर बनाते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा
इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे यानी कि बराबर होंगे। क्योंकि देखिए इस कॉर्ड ने, ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने इस सर्किल को दो भागों में बांट दिया, एक तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और एक ये हो गया मेजर सेगमेंट। तो देखिए अगर हमने इस सर्किल में एक, ये देखिए कॉर्ड है, इससे एक एंगल हमने यहां पर बनाया, दूसरा एंगल हमने यहां पर बनाया, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए एक एंगल हमने यहां पर बनाया, दूसरा एंगल हमने यहां पर बनाया, यानी कि सेगमेंट सेम है। देखिए सेम सेगमेंट में हम कितने भी जो एंगल बना दें वो एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना, इसके बारे में आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो सेगमेंट को कहा जाता है वृत्तखंड। अगर हम किसी भी वृत्त के वृत्तखंड में कितने भी कोण बना दे तो वो सारे कोण इक्वल होते हैं, सेम यानी कि उसी वृत्तखंड में, उसी सेगमेंट में। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखिए चौथी बात हम कर लेते हैं, चौथी बात जो आपके आते हैं, चौथा पॉइंट जो आता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड, सॉरी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब देखिए ये कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, क्या कहता है, द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए परपेंडिकुलर को हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है, ये इसका साइन है, यानी कि ये साइन जो होता है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल टू टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। अब यहां पर मैंने लिखा है वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टी प्रोसेस, उल्टी प्रोसेस यानी कि रिवर्स प्रोसेस, जिसे हम कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस। मतलब कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिएगा ये सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है। अब ये मान लीजिए एक कॉर्ड है, अगर हम इस सर्किल से एक 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, एक स्ट्रेट लाइन इस कॉर्ड की ओर लेके जाए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हम लेके आते हैं और यहां पर अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देगी, दो बराबर भागों में बांट देगी, मतलब कि वो उस कॉर्ड को यानी कि जीवा को बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो मान लीजिए ये है इसका ओ, ओ क्या है इसका, सेंटर ऑफ द सर्किल यानी कि इस वृत्त का एक केंद्र है ओ, और ये इसको इस ए बी को इस एम पर काट रही है। तो ये जो एम है, ये एम इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है, ये चीज आप ध्यान रखना। इसी प्रकार से मैंने लिखा वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इसका जो, इसकी जो रिवर्स प्रोसेस है, इसका जो उल्टा है, वो भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं यूज, उसके लिए हम लिख सकते हैं, इफ इफ ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ द सर्किल, इट विल बी परपेंडिकुलर। ओके, तो ये मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई ये जो पांचवा पॉइंट है ये क्या कहता है। देखिएगा पांचवा पॉइंट, इफ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन From midpoint of, if we draw a straight line from midpoint of any chord to the center of circle, to the center of this circle, center of the circle, it will make a
90 डिग्री एंगल ऑन द कॉर्ड। ये चीज एक बार समझने की कोशिश करना, ये उसी प्रोसेस की उल्टी प्रोसेस है। देखिए क्या कहता है कि भाई एक अगर सर्किल है, एक वृत्त है, उस वृत्त में अगर हम किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट, कॉर्ड का मिड पॉइंट का मतलब उसका मध्य बिंदु, यानी कि मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। अब अगर इससे हम एक स्ट्रेट लाइन इस सर्किल के सेंटर की ओर लेके जाएं, मान लीजिए सर्किल के सेंटर की ओर एक हम लाइन लेके जाते हैं, तो हमेशा वो लाइन इस कॉर्ड पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर होगी। इससे पहले हमने क्या कहा था कि अगर हम सेंटर से लेकर इस कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर खींचे तो वो इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटेगी। लेकिन अब उसका उल्टा कि अगर हम इसके मिड पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट इनको दो बराबर भागों में बांट रहा है, उससे अगर एक सीधी लाइन लेके जाए इस सर्किल तक, तो वो 90 डिग्री की होगी। ओके, तो ये भी एक थी पांचवी बात। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। ये जो मैंने तीन चार चीजें मैंने आपको लास्ट वाली बताई है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड, और द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए छठी बात करते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्किल टू सेंटर ऑफ द सर्किल is always double the angle made by it on remaining part of the circle, कहने का मतलब ये है कि इफ वी मेड अ एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय एनी आर्क। अब देखिए आर्क का मतलब होता है चाप। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करना। जो आर्क होती है, जो चाप होती है, उस चाप से अगर हम सर्किल के सेंटर पर एक कोण बनाते हैं, तो वो कोण हमेशा जो अन्य कोण होंगे उस आर्क के द्वारा, मान लो उस आर के द्वारा और कहीं पर भी कोण बनाए जाते हैं, वो कोण से ये वाला कोण हमेशा दोगुना होगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो ये चीज आपने लिख दी होगी। अब चलिए मैं इस चीज को समझाने की भी कोशिश कर देता हूं। देखिएगा, मान लीजिए ये एक सर्किल है, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है और ये हो गई एक आर्क। आर्क का मतलब चाप, ये चाप हो गई। अब ये चाप जो है इस सेंटर ऑफ द सर्किल पर एक कोण बनाता है। ओके, ये यानी कि एक प्रकार से सेक्टर बन गया। क्या बन गया? सेक्टर बन गया, जो मैंने कल आपको बताया था। तो ये जो एंगल होगा इसको कहा जाता है सेंट्रल एंगल। क्या कहा जाता है? सेंट्रल एंगल, जिसे कहा जाता है केंद्रक कोण। ये मैं कल आपको बता चुका हूं, जिसको केंद्रक कोण भी कहा जाता है। तो ये जो सेंट्रल जो एंगल होगा, मान लीजिए ये ओ है पॉइंट, ये पॉइंट ओ है, तो ये जो एंगल ए ओ बी होगा, एंगल ए ओ बी जो होगा वो हमेशा, अब देखिए ये क्या है, एक चाप है, यहां से लेकर यहां तक एक चाप है, एक आर्क है। अगर ये आर्क इस सर्किल पर कहीं पर भी एक कोण और बना ले, मान लीजिए यहां पर एक कोण बना लिया, ये यहां पर एक कोण बना लिया, इसको मैं नाम दे देता हूं एम, ये एंगल, या फिर इसी आर्क ने एंगल यहां पर बना लिया, इसको मैं नाम दे देता हूं पी, या फिर इसी ने एक एंगल यहां पर बना लिया, इसको मैं नाम दे देता हूं क्यू, या फिर इसी ने एक एंगल यहां पर बना लिया नीचे की साइड, ये ओके, कहीं पर भी ये बना ले, हाँ, अब ये कहीं पर भी एंगल बना ले, तो इस चीज के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना कि ये जो एंगल बनते हैं
अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक सेकेंड थोड़ी सी जगह साफ कर लेता हूं। देखिएगा यहां पर एक एंगल बना हुआ है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ये एंगल हमेशा अगर इस आर्क द्वारा इस सर्किल पर और कहीं पर भी अगर कोण बनाया जाए उससे हमेशा ये दोगुना होगा, मतलब ये एंगल इससे दोगुना होगा, यानी कि टू टाइम एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी, और ये भी टू टाइम एंगल ए एम बी, और ये भी होगा टू टाइम एंगल ए पी बी, ए पी बी, और इसका नाम मान लीजिए मैं दे देता हूं आर, तो ये होगा टू टाइम एंगल ए आर बी। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, यानी कि ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल सब के सब इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। साथ ही साथ इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि ये सारे एंगल इस एंगल के हाफ होंगे, हाफ होंगे का मतलब आधे होंगे, और ये एंगल इन सब का दोगुना होगा। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर देना। चलिए सातवीं बात कर लेते हैं, एंगल मेड बाई एनी सेमी सर्किल एट द सर्किल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज ऑलवेज 90 डिग्री, यानी कि जो अर्धवृत्त होता है उसके द्वारा वृत्त के ऊपर कहीं पर भी अगर एक कोण बनाया जाता है तो वो कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो मैं लिख देता हूं एंगल मेड बाई सेमी सर्किल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ऑलवेज 90 डिग्री। कहने का मतलब मान लीजिए ये एक सर्किल है और ये हो गया एक सेमी सर्किल ए बी, इसको काट रहा है सेमी सर्किल। अब ये सेमी सर्किल चाहे यहां पर कोण बनाए, चाहे ये 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 यहां पर कोण बनाए, कहीं पर भी ये अपना एंगल बनाए हमेशा 90 डिग्री का होगा। सेमी सर्किल का मतलब अर्धवृत्त जो होता है वो कहीं पर भी जो अपना वृत्त कोण बनाए वो कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। ओके, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। मैं आपको बता चुका हूं एक चीज कि जो एंगल्स होते हैं इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब चलिए एक चीज और कि कल मैंने आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कल ने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और कल भी शायद बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। उसमें मैंने आपको क्या नहीं बताया था कि भाई एक सर्किल के अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसको चक्रीय चतुर्भुज या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, और उसके ओपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 का होता है। एक इसका एक वाइस वर्सा प्रोसेस भी, यानी कि इसकी रिवर्स प्रोसेस भी हम इसमें काम ले सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो ओपोजिट जो एंगल है उनका सम 180 आ रहा है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो अगर ऐसे ओपोजिट कोण है और उनका सम अगर 180 आ रहा है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ओके, चलिए हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो दो तीन क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर आज आपका ये चैप्टर यहीं पर पूरा होगा और कल से हम बात करेंगे आपके जो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, एरिया वाला जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहेगा, और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैं नीचे दूंगा, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर भी ना हो तो मुझसे पूछ लेना। तो चलिए सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस फिगर इज, यानी कि इस आकृति में एक्स का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार से आकृति दी हुई है, ठीक है, ये इसका
सेंटर दिया हुआ है ओ, इस सेंटर से यहां पर एक आर्क दी हुई है ए बी, इस आर्क के बाद यहां पर एक कोण बना हुआ है जिसको एक्स माना गया है और इस कोण को माना गया है 60, इसको 60 डिग्री कहा गया है। अब हमें एक्स की वैल्यू पूछी है, तो मैंने आपको अभी एक सर्किल की मोस्ट इंपोर्टेंट जो थी बात वो बताई थी कि भाई किसी भी आर्क द्वारा जब सर्किल के सेंटर पर एक कोण बनाया जाता है, वो कोण उसी आर्क द्वारा अगर सर्किल के किसी भी भाग पर अगर कोण बनाया जाए तो उसका दोगुना होगा। मतलब कि द एंगल मेड बाई एनी आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज ऑलवेज डबल द एंगल मेड बाई इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो वही प्रोसेस हम यहां पर यूज करते हैं कि भाई ये एंगल हमेशा इसके दोगुना होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं एक्स, या फिर हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी, यानी कि एंगल ए ओ बी इज टू टाइम एंगल एक्स। ओके, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए और ए ओ बी की वैल्यू हमें 60 दी हुई है, 60 इज इक्वल टू 2x, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 60/2 यानी कि 30 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व आउट करने हैं, इनके बारे में कंफ्यूज होना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार का है, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द फिगर वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू बी वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इज। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये है, ये इसका सेंटर दिया हुआ है ओ, और यहां पर हमें कुछ चीजें दी हुई है, यानी कि ए बी दिया हुआ है जो कि इसका डायमीटर है ए बी। ओके, इसी प्रकार से यहां पर एक सर्किल के ऊपर पॉइंट दिया हुआ पी, और यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है क्यू, और इन सबको जोड़ दिया गया है, ये नहीं जोड़ा गया, बाकी सब जोड़ दिए गए, और एक यहां से सीधी लाइन आती है जो इसको जोड़ती है। बस इस प्रकार से जो है ये जो एंगल है ये 42 डिग्री बताया गया है। कितना डिग्री बताया गया है? 42 डिग्री का। ओके, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर यहां पर एक हम बात करते हैं कि ये देखिएगा कि सेंटर ऑफ द सर्कल तो यहां पर है, ये एंगल 42 का है, और ये अगर हम बात करें ए बी पी, ये एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब अर्ध वृत्त। अब आपको मैंने बताया कि एंगल मेड बाय सेमी सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज 90, यानी कि किसी भी अर्ध वृत्त द्वारा अगर वृत्त के किसी भी बिंदु पर कोई कोण बनाया जाता है तो वो कोण हमेशा 90 का होगा। तो ये जो कोण होगा ए पी बी, ये हमेशा 90 का होगा। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि मेड बाय सेमी सर्किल, मेड बाय सेमी सर्किल, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर हम देख के क्या करते हैं कि अगर हम इसकी बात करें ए पी बी की, ट्राइंगल ए पी बी की अगर हम बात करें इस ए पी बी की, तो इस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180। आप खुद जानते हो किसी भी इसके अंदर अगर सारे कोण जोड़ दिए जाए तो वो हमेशा 180 के होते हैं। तो ये 42 हो गया, ये 90 हो गया, प्लस ये ए, हमें ए की वैल्यू अभी तक फाइंड आउट नहीं की है। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी कुल मिलाकर कितना होना चाहिए? 180। एंगल ए हमें मालूम नहीं है, एंगल पी हमें 90 दिया हुआ है, एंगल बी हमें 42 दिया हुआ है, कुल मिलाकर 180 होता है। अब देखिए यहां पर इसको और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 90 प्लस 42 कितना हो गया? तो एंगल ए प्लस 90 प्लस 42 132 इज इक्वल टू 180। लेकिन हमें एंगल ए चाहिए, इसलिए इस 132 को उस साइड लेके जाते हैं, तो 180 माइनस 132 इज इक्वल टू 48 डिग्री, यानी कि ए जो है ये 48 आ गया। अब देखिए ये जो एंगल है पी ए बी, ये इसके द्वारा बनाया गया, ये जो पी बी जो आर्क है, ये जो आर्क पी बी है, आर्क का मतलब चाप, पी बी जो चाप है इसके द्वारा ये एंगल बनाया गया है।
और ये जो एंगल है क्यू, ये भी पी बी द्वारा ही यहां पर बन रहा है। मतलब कि मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, द एंगल मेड बाई एनी आर्क, द एंगल मेड बाई एनी आर्क ऑन इन द सेम सेगमेंट, द एंगल मेड बाई एनी आर्क इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये देखिए सेम सेगमेंट है, इस सेगमेंट में ये दोनों एंगल बन रहे हैं, मतलब कि ये भी 48 डिग्री का होगा, 48। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 48। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए और ले लेते हैं। द रेडियस, ये क्वेश्चन एक बार देखिएगा, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज। ठीक है बच्चे, हिंदी वाला थोड़ा सा ध्यान देना, रेडियस का मतलब कल मैंने आपको क्या बताया था, मैं चीज यहां पर लिख देता हूं, रेडियस का मतलब आप एक बार देख लेना, यहां पर त्रिज्या कहते हैं इसको, ये देखिएगा रेडियस का मतलब होता है, और कॉर्ड को कहा जाता है चाप। बच्चे हिंदी वाले बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसको चाप नहीं सॉरी कॉर्ड को कहा जाता है जीवा, कॉर्ड को कहा जाता है जीवा। तो देखिए इसने कहा है कि किसी भी सर्किल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसकी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो यह बताइए कि उस कॉर्ड से लेकर उसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है। देखिए उसने कहा है कि एक ही सर्किल है, उसकी रेडियस जो है, उसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है, और उसने कहा कि उसके कॉर्ड भी है, एक कॉर्ड भी है, ये मान लीजिए कॉर्ड है ए बी, इसकी भी लेंथ उसने 6 सेंटीमीटर बताइए, कितनी सेंटीमीटर बताइए 6 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। ओके, ये हमसे पूछी गई है यहां पर। ओके, तो ये बताने के लिए आप खुद जानते हो कि हमें यहां पर कौन सा रूल यूज करना है, पाइथागोरस। मैंने आपको क्या बताया था, पाइथागोरस वाला जो रूल है वो यूज करना है। कैसे यूज करेंगे देखिएगा, कि यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे हम सेंटर ऑफ द सर्किल से किसी कॉर्ड पर एक अगर सीधी लाइन खींचते हैं तो वो लाइन हमेशा 90 की होती है, यानी कि ये इसका जो मुख्य सॉरी जो मिड पॉइंट है वो है, यानी कि मध्य बिंदु है, ये हो गया M मान लीजिए। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो अगर हम यहां से लेकर यहां तक एक लाइन अगर खींचे तो ये भी क्या होगी, एक रेडियस होगी, क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ द सर्किल से आप सर्किल के किसी भी पार्ट तक एक सीधी लाइन खींच लो वो उसकी रेडियस ही होगी। तो यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, ये कुल मिलाकर 6 सेंटीमीटर थी, लेकिन यहां पर इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है, मतलब कि ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर इसको मैं बाहर निकालने की कोशिश करूं और इसको अगर भूल जाऊं पीछे वाले को, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाती है कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और मुझसे ये पूछी गई है। तो यहां पर मैं पाइथागोरस का यूज कर सकता हूं। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि भाई 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर नहीं सारा समझ में, तो मान लीजिए ये O है, तो यहां पर O M A, अब यहां पर अगर हम O M ज्ञात करना चाहते हैं तो O M का स्क्वायर होगा A O का स्क्वायर माइनस A M का स्क्वायर, ये मैं बता चुका हूं। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, कुल मिलाकर कितना हो गया 27, ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन मार्क जो हमारा था उसका आंसर होगा 27 का रूट। अब 27 का रूट अगर हम निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, 3 3 3 3 3 1, यानी कि हमने इस प्रकार से निकाला। अब 3 3 तो इसमें सेम आ रहा है, तो 3 बाहर ले लिया, फिर रूट 3 अंदर बच गया, तो रूट 3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा।
फिर भी अगर बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है तो मुझसे बच्चे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट जो आएगी आपकी वीडियो उसमें मैं आपको इस चीज के बारे में और आगे बताऊंगा। कल हम आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है। ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।